नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर एक आसान सा भाषण आपको बताने वाला हूं। जी हां, अगर आप लोग ये आसान सा भाषण अगर तैयार कर लिए और तैयार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जी हां, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हमने इसमें डाले हैं इस भाषण में। आप अगर ये भाषण बोलेंगे सभी के सामने तो सभी लोग खुश हो जाएंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे और अध्यापक के द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। जी हाँ, तो ये आसान सा भाषण आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं भाषण में क्या क्या बोलना है सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो वहाँ पे प्रिंसिपल आपके होंगे, टीचर होंगे, जी हाँ, और जो अतिथि आए होंगे उनको आपको सबसे पहले नमन करना होगा। जी हाँ, तो आपको ये लाइन बोलना होगा, आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण, सहपाठियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम रमेश है, मैं कक्षा 10 में अध्ययन करता हूँ। हम सभी आज गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जातियों वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्णो थे। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गण और तंत्र, जिसका अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आज के दिन हमारे देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और अनगिनत देशभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। हम इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भूल नहीं सकते। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है। परेड में तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती हैं जो लोगों का मनोरंजन करती हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं सीए और एनआरसी को लेकर कितना हिंसा बढ़ा हुआ है देश में। लोग सीए और एनआरसी को लेकर उलझन में पड़े हुए हैं, इसका सही मायने नहीं समझ पा रहे हैं। इससे दंगा फसाद भी हमारे देश में बहुत हो रहा है। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा,
ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। हम इसी तरह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और देश के विकास में बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे भाषण को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।